क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। मंदिर के लिए जाते वक्त इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आज ये दोबारा घर नहीं वापस जाएंगे। दान पुण्य करने गए लोग रास्ते में किसी अनहोनी का शिकार हो गए। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तालाब में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में 10 की मौत, 37 घायल। मुंडन कराने मंदिर जा रहे थे लोग। सीएम योगी ने हादसे पर जताया शोक। इटौंजा कोहरावर रोड पर हुआ हादसा। राजधानी लखनऊ के ग्रामीण इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। सीतापुर से चलकर उनई देवी जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली तालाब में पलट गई, जिससे 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 37 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तालाब से निकाल कर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। आशंका है कि कुछ और लोग भी तालाब में डूबे हो सकते हैं। उनकी तलाश के लिए SDRF का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जानकारी के मुताबिक सूचना मिलने पर मौके से पुलिस और SDRF की टीम पहुंच गई और राहत बचाव कार्य करते हुए वक्त रहते लोगों को तालाब से बाहर निकाला गया। यहाँ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली जा रहे थे एक मंदिर में किसी आयोजन में, और इस जगह पर जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ पर उसकी दुखद रूप से वो पलट गई है, और उसमें कई लोग सुरक्षित बचा लिए गए गांव वालों के सहयोग से, और कुछ लोगों की अस्पताल पहुंचने पर वहां पर पता चला कि कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। 9 लोगों की कंफर्म दुखद मृत्यु हो चुकी है इस हादसे में। इस मामले में पुलिस ने कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार सभी लोग सीतापुर से आए थे। लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र में ये हादसा इटौंजा से कोहरावा रोड पर गद्दनपुरवा के पास हुआ, और ये लोग बच्चे का मुंडन कराने के लिए उनई देवी के मंदिर जा रहे थे। इटौंजा के तालाब के पास ट्रैक्टर ट्रॉली चालक ने नियंत्रण खो दिया और देखते ही देखते ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलट गई, जिसे सवार सभी लोग तालाब में गिर गए। इनमें से 9 लोग तो ट्रॉली के नीचे दब गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 34 लोग पानी में गिर गए, जिन्हें स्थानीय लोगों और SDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक तालाब में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। आशंका है कि 1 या 2 लोग अभी भी पानी के अंदर हो सकते हैं। राजधानी में इतने बड़े हादसे की सूचना मिलने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के प्रति शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की है। इसके साथ ही सीएम ने घायलों के तुरंत और बेहतर इलाज के लिए जिले के आला अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर DM और अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और मामले की जांच पड़ताल कर। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के लिए आपदा राहत कोष से 4-4 लाख रुपए की राहत राशि देने का भी ऐलान। वहीं आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इटौंजा CHC पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना है और घायलों के समुचित इलाज के लिए अस्पताल प्रशासन को भी दिशा निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम।